प्यारे बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को कक्षा 10 विषय अर्थशास्त्र अध्याय 2 के अंतर्गत भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में भारत में प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र के बारे में बताऊंगा। यानी भारत में क्या पढ़ेंगे आप, भारत में आज जो है प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र के बारे में चर्चा करेंगे। यानी 1973-74 और 2013-14 की जो भारत में उत्पादन को दिखाता है, दिखाया गया है कि 40 वर्षों में जो भारत में जो कुल उत्पादन है वह कितनी उसमें समृद्धि हुई है, कितनी वृद्धि हुई है पहले की अपेक्षा, तो यह इसमें जो है आप समझने की कोशिश करेंगे। और इसके अतिरिक्त जो है आप अगले पॉइंट में आपको मैं उत्पादन में द्वितीय तृतीय क्षेत्र का द्वितीय तृतीय क्षेत्र का जो है उत्पादन में जो तृतीय क्षेत्र है यानी द्वितीय प्रथम और द्वितीय क्षेत्रों की जो वृद्धि हुई है उसमें उसके बाद यानी उत्पादन में तृतीय क्षेत्र का जो बढ़ता महत्व यानी तृतीय क्षेत्र कितना डेवलप किया है, उसका महत्व कितना बढ़ा है और भारत में जो है आज उसका योगदान भारत के जीडीपी पर किया जाता है, इसके बारे में आप समझने की कोशिश करेंगे कि आज तृतीय क्षेत्र काफी महत्वपूर्ण हो गया है और सकल घरेलू उत्पादन में यानी तृतीय क्षेत्र का बहुत बड़ा योगदान। भारत में प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र, तो प्यारे बच्चों आप लोग यहाँ समझने की कोशिश कीजिए, आलेख वन में तीनों क्षेत्रों के द्वारा उत्पादित वस्तु और सेवाओं को दिखाता है ये आलेख में। तो यहाँ यह दो वर्षों यानी 1973 और 74 और 2013-14 के उत्पादन को दिखाता है। आप देख सकते हैं कि 40 वर्षों में कुल उत्पादन में कितनी समृद्धि हुई है यानी समृद्धि हुई है यह आप समझ सकते हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि मतलब ये आलेखन में आप देख रहे हैं कि प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रक है द्वारा ये सकल घरेलू उत्पाद जो दर्शाए गए हैं डाटे आप देख रहे हैं कि यह रुपये और करोड़ में है। और यहाँ पे ये प्राथमिक क्षेत्र है और द्वितीयक क्षेत्र है, तृतीयक क्षेत्र है। यह स्रोत जो लिए गए हैं आपके 2013 और 14 के नवीनतम वर्ष से है जिसके लिए यानी तुलनीय आंकड़े उपलब्ध हैं। यानी यहाँ आप देख रहे हैं कि आओ इन पर भी विचार करें तो आरेख का अवलोकन करते हुए निम्नलिखित का उत्तर देने का प्रयास करें। 1973 और 74 में सबसे बड़ा उत्पादन क्षेत्र कौन था ये भी समझे, और 1913-14 में सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र कौन था, क्या आप जो है बता सकते हैं कि तीन वर्षों में किस क्षेत्र में सबसे अधिक समृद्धि हुई है। यानी चौथा है 2013-14 में भारत का जीडीपी क्या है, तो ये आप समझिए और बताने का प्रयास कीजिए। सन 1973-74 और 1913-14 के बीच तुलना क्या प्रदर्शित करती है, इसके आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं विचार करें। उत्पादन में तृतीयक क्षेत्र का बढ़ता महत्व, यानी उत्पादन में क्या है तृतीयक क्षेत्र का बढ़ता महत्व इसमें समझाने का प्रयास किया गया है 1973 और 74 और 2013-14 के बीच 40 वर्षों में यद्यपि सभी क्षेत्रों में उत्पादन में वृद्धि हुई है परंतु सबसे अधिक वृद्धि तृतीयक क्षेत्र के उत्पादन में हुई है। यानी किस में वृद्धि हुई है, तो तृतीयक क्षेत्र के उत्पादन में सबसे अधिक वृद्धि हुई है। परिणामतः वर्ष 2013 और 14 के बाद की जाए तो 2013 और 14 में भारत में प्राथमिक क्षेत्र को प्रति स्थापित करते हुए तृतीयक क्षेत्र सबसे बड़े उत्पादक क्षेत्र के रूप में उभरा है यानी विकसित हुआ है। भारत में तृतीयक क्षेत्र इतना महत्वपूर्ण क्यों हो गया है, इसके कई कारण हो सकते हैं। प्रथम, किसी भी देश में अनेक सेवाओं जैसे अस्पताल, शैक्षणिक संस्थाएं, डाक एवं तार सेवा
थाना कचहरी ग्रामीण प्रशासनिक कार्यालय नगर निगम रक्षा परिवहन बैंक बीमा कंपनी इत्यादि की आवश्यकता होती है, लोगों की जरूरत पड़ती जाती है और इसकी आवश्यकता होती है इसमें वृद्धि की। इन्हें बुनियादी सेवाएं माना जाता है। कौन सी सेवा माना जाता है? बुनियादी सेवा माना जाता है, यानी यही बुनियाद होती है। किसी विकासशील देश में इस सेवाओं के प्रबंधन की जिम्मेदारी सरकार उठाती है। कौन उठाता है इन सेवाओं की जिम्मेदारी? विकासशील जो देश विकसित नहीं होते हैं उसकी जिम्मेदारी कौन उठाता है? विकासशील देशों में सरकार उठाती है इसकी जिम्मेदारी प्रबंधन की, वही प्रबंध करती है। तो यहाँ आप समझने की कोशिश करें कि द्वितीय कृषि, हम द्वितीय की बात करें तो द्वितीय कृषि एवं उद्योगों के विकास से परिवहन व्यापार भंडारण जैसी सेवाओं का विकास होता है। प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्रों का विकास जितना अधिक होगा ऐसी सेवाओं की मांग उतनी ही अधिक होगी। तृतीयक जैसे जैसे आय बढ़ती है कुछ लोग अन्य कई सेवाओं जैसे रेस्तरा, पर्यटन, शॉपिंग, निजी अस्पताल, निजी विद्यालय, प्रशासनिक प्रशिक्षण इत्यादि की मांग शुरू कर देते हैं। आप नगरों में विशेषकर बड़े नगरों में एक इस द्रुत परिवहन परिवर्तन को, यानी विशेषकर बड़े नगरों में जो ये इस तरह की इस द्रुत परिवर्तन को देख सकते हैं। चतुर्थ विगत दशकों में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी पर आधारित कुछ नवीन सेवाएं महत्वपूर्ण एवं अपरिहार्य हो गई है। इन सेवाओं के उत्पादन में तीव्र वृद्धि हो रही है, बेतहाशा तीव्र वृद्धि हो रही है। अध्याय 4 में हम इन नवीन सेवाओं और इसके प्रसार के कारणों की चर्चा भी करेंगे। अंततः आपको याद रखना चाहिए कि सेवा क्षेत्र की सभी सेवाओं में समान रूप से समृद्धि नहीं हो रही है। भारत में सेवा क्षेत्र कई तरह के लोगों के नियोजन करते हैं। एक ओर उन सेवाओं की संख्या सीमित है, इसमें अत्यंत कुशल और शिक्षित श्रमिकों को रोजगार मिलता है। दूसरी ओर बहुत अधिक संख्या में लोग छोटी दुकानों, मरम्मत कार्यों, परिवहन जैसी सेवाओं में लगे हुए हैं। वे लोग बड़ी मुश्किल से जीविका निर्वाह कर पाते हैं और वे इन सेवाओं में इसलिए लगे हुए हैं क्योंकि उनके पास कोई अन्य वैकल्पिक अवसर नहीं है। इस कारण सेवा क्षेत्र के केवल कुछ भागों का ही महत्व बढ़ रहा है, सभी भागों का महत्व नहीं बढ़ रहा है, कुछ भागों का महत्व बढ़ रहा है। आप इनके बारे में अगले खंड में विस्तार से पढ़ेंगे तो आपको मैं अगला वीडियो अधिकांशतः लोग कहाँ नियोजित हैं इसके बारे में बताऊंगा। अधिकांश लोग कहाँ जो है नियोजित हैं, यानी अधिकांश लोग जो है कहाँ कार्यरत हैं, क्या कर रहे हैं, यानी किन से कार्यों में वो संलग्न है, नियोजित है, तो इसके बारे में आप पढ़ेंगे। यानी इसका मतलब कि यानी प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, ये तीनों क्षेत्रों का में जो है आज जो है जो 40 वर्षों के बाद जो यह ऐतिहासिक परिवर्तन हुए हैं और परिवर्तनों के बाद जो है यानी इन क्षेत्रों का क्या क्या कितना महत्व है और कौन जो है किसमें जो है कितने लोग जो है आज जो है अपनी भागीदारी दे रहे हैं उसका जो है इसमें देखा जोखा आप जो है समझने की कोशिश करेंगे। प्यारे बच्चों, अधिकांश लोग कहाँ नियोजित हैं, तो आइए इसके अंतर्गत मैं आपको कुछ आलेख के द्वारा उत्पादन, सकल घरेलू उत्पादन में ले चल रहा हूं और उससे समझाने का प्रयास कर रहा हूं। तो देखिए इस पॉइंट में आलेख 2, सकल घरेलू उत्पाद में तीनों क्षेत्रकों की प्रतिशत हिस्सेदारी प्रस्तुत करता है। अब आप
40 वर्षों में क्षेत्रकों के बदलते महत्व को प्रत्यक्षतः देख सकते हैं कि आलेख दो सकल घरेलू उत्पाद में क्षेत्रकों की हिस्सेदारी या प्रतिशत में है। आप यहाँ डाटा के द्वारा समझाया गया है कि 100%, 90%, 80%, इस तरह से आप ये देख रहे हैं। यहाँ आप देख रहे हैं कि प्राथमिक क्षेत्र के है, द्वितीय क्षेत्र के है और तृतीय क्षेत्र के है। इसको देखकर समझ सकते हैं भारत के संदर्भ में एक उल्लेखनीय तथ्य है कि यद्यपि सकल घरेलू उत्पाद में तीनों क्षेत्रकों की हिस्सेदारी में परिवर्तन हुआ है, फिर भी रोजगार में ऐसा ही परिवर्तन नहीं हुआ है। यानी तीनों क्षेत्रकों के हिस्सेदारी में परिवर्तन तो हुआ है, यह स्पष्ट दिख रहा है सकल घरेलू उत्पाद में, लेकिन फिर भी रोजगार में ऐसा ही परिवर्तन नहीं हुआ है। आलेख तीन वर्ष 1972 और 73 एवं 2011-12 और वर्ष 2003 में तीनों क्षेत्रकों में रोजगार हिस्सेदारी को दिखाता है। आज भी प्राथमिक क्षेत्र में सबसे बड़ा नियोक्ता है, यानी प्राथमिक क्षेत्र क्या है, आज भी सबसे बड़ा नियोक्ता है। आलेख थर्ड में देखें, तीसरे में तो रोजगार के क्षेत्रकों की हिस्सेदारी या प्रतिशत में यहाँ भी दर्शाया गया है कि आप देख रहे हैं कि 100%, 90%, 15 यहाँ 27 आप देख रहे हैं। तो इस तरह से ये क्रम आप समझ सकते हैं कि यह रोजगार है और यह जो है 1972 और 73 का डाटा है, यह 2011-12 का डाटा है। इसमें प्राथमिक क्षेत्र आप देख रहे हैं कि किससे दिखाए गए हैं, यह नीले कलर से दिखाए गए हैं, और द्वितीय क्षेत्र जो है ये लाल से दिखाए गए हैं, और यहाँ आप समझ सकते हैं कि यह तृतीय क्षेत्र थोड़ा सा और जो है यानी आसमानी कलर से दर्शाने का प्रयास किया गया है। तो यह प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र की तुलना यहाँ दर्शाया गया है। हिस्सेदारी जो है प्राथमिक क्षेत्र से रोजगार का हिस्सा ऐसा ही क्षेत्र हस्तांतरण क्यों नहीं हुआ, यानी प्राथमिक क्षेत्र से रोजगार का ऐसा ही क्षेत्र हस्तांतरण क्यों नहीं हुआ, इसका कारण यह है कि द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में रोजगार के पर्याप्त अवसरों का सृजन नहीं हुआ। यद्यपि इस अवधि में वस्तुओं के औद्योगिक उत्पादन में 3 गुना से ज्यादा वृद्धि हुई है, परंतु औद्योगिक रोजगार में लगभग 3 गुना ही वृद्धि हुई है। तृतीयक क्षेत्रक पर भी यह बात लागू होती है कि सेवा क्षेत्रक में उत्पादन में 14 गुना वृद्धि हुई है, परंतु रोजगार में 5 गुना से भी कम वृद्धि हुई है। परिणामतः देश में आधे से अधिक श्रमिक प्राथमिक क्षेत्रक मुख्यतः कृषि क्षेत्र में कम काम कर रहे हैं, जिसका सकल घरेलू उत्पाद में योगदान केवल 1/4 है। इसकी तुलना में द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र का सकल घरेलू उत्पाद में 4/5 हिस्सा है, परंतु ये क्षेत्र आधे से भी कम लोगों को रोजगार प्रदान करते हैं। क्या इसका अर्थ यह है कि कृषि क्षेत्र में लगे श्रमिक अपनी क्षमता से कम उत्पादन कर रहे हैं? क्या इसका अर्थ यह है कि कृषि में आवश्यकता से अधिक लोग लगे हुए हैं? अत्यंत यदि आप कुछ लोगों को कृषि क्षेत्र से हटा देते हो तो भी उत्पादन प्रभावित नहीं होगा। दूसरे शब्दों में कृषि क्षेत्र के श्रमिकों में अल्प बेरोजगारी है। एक छोटा किसान लक्ष्मी का उदाहरण लेते हैं, जिसके पास 2 हेक्टेयर असिंचित भूमि है, जो सिंचाई के लिए केवल वर्षा पर निर्भर हैं और ज्वार और अरहर जैसे फसलें उपजाती है। उसके
परिवार के सभी 5 सदस्य उस भूमि पर वर्ष भर काम करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें कहीं और रोजगार उपलब्ध नहीं है। आप देखेंगे कि प्रत्येक व्यक्ति काम कर रहा है, कोई बेकार नहीं है, परंतु वास्तव में उनका श्रम प्रत्याशा प्रयास विभाजित है, यानी श्रम जो प्रयास है वो विभाजित है। प्रत्येक व्यक्ति कुछ काम कर रहा है, परंतु किसी को भी पूर्ण रोजगार प्राप्त नहीं है। यह अल्प बेरोजगारी की स्थिति कही जाएगी। यानी क्या कही जाएगी कि सभी व्यक्ति काम कर रहे हैं लेकिन पूर्ण रोजगार उसे प्राप्त नहीं है, इसलिए हम कहेंगे कि यह अल्प बेरोजगारी की स्थिति है। आधा दिन वो जो है आधा समय रोजगार पाता है, आधा समय रोजगार नहीं पाता है, तो अल्प बेरोजगारी की स्थिति है। जहां लोग प्रत्यक्ष रूप से काम करते हैं लेकिन सभी अपनी क्षमता से कम काम करते हैं, इस प्रकार की अल्प बेरोजगारी को छिपी हुई बेरोजगारी भी कहते हैं। इस प्रकार की जो बेरोजगारी होती है, अल्प बेरोजगारी को छिपी बेरोजगारी भी कहते हैं, क्योंकि यह उन लोगों में बेरोजगारी जिनके पास कोई रोजगार नहीं है और बेकार बैठे हुए हैं से अलग हैं। खुली बेरोजगारी, इसलिए इसे प्रचंड बेरोजगारी भी कहा जाता है, यानी खुली हुई या प्रचंड बेरोजगारी भी से कहा जाता है। अब मान लेते हैं कि एक भूस्वामी सुखराम आता है और अपनी जमीन पर काम करने के लिए लक्ष्मी के परिवार के एक या दो सदस्यों को भाड़े पर ले जाता है। अब लक्ष्मी के परिवार को मजदूरी के द्वारा कुछ अतिरिक्त आय होती है, क्योंकि आपको छोटे से भूखंड पर काम करने के लिए 5 लोगों की जरूरत नहीं है। अतः 2 लोगों के चले जाने से कृषि उत्पादन प्रभावित नहीं होता। दिए गए उदाहरण में 2 सदस्य किसी कारखाना में भी काम करने के लिए जा सकते हैं। एक बार फिर परिवार की कमाई में वृद्धि हुई होगी और वे लोग अपनी भूमि से पहले जैसा उत्पादन करते रहेंगे। भारत में लक्ष्मी की तरह लाखों किसान हैं, यानी भारत में लक्ष्मी की तरह लाखों किसान हैं। इसका अर्थ यह है कि हम यदि कुछ लोगों को कृषि क्षेत्र से हटा कर उन्हें कहीं दूसरे समुचित रोजगार उपलब्ध करा दें तो भी कृषि उत्पादन बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी कृषि के उत्पादन पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। कोई अन्य रोजगार करने से लोगों की आय से परिवार की कुल आय में वृद्धि होगी। अल्प बेरोजगारी दूसरे क्षेत्रों में भी हो सकती है। उदाहरण के लिए शहरों में सेवा क्षेत्र में हजारों अनियत श्रमिक हैं जो दैनिक रोजगार की तलाश करते रहते हैं। वे प्लम्बर, पेंटर, मरम्मत कार जैसे रोजगार करते हैं और अन्य लोग असुविधाजनक विषम काम करते हैं। इनमें से कई रोजाना काम नहीं पाते हैं। इसी प्रकार हम सेवा क्षेत्र के कुछ लोगों को सड़कों पर ठेला खींचने अथवा कुछ चीजें बेचते हुए भी देखते हैं, जहां वे पूरा दिन बिता देते हैं परंतु बहुत कम कमा पाते हैं। नहीं, उनकी जो कमाई होती है काम बहुत कम कमा पाते हैं। वे यह काम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनके पास कोई दूसरा बेहतर अवसर नहीं है, यानी इससे कोई बेहतर अवसर दूसरा नहीं है, इसीलिए वो लोग काम करते हैं।